नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं अपने YouTube चैनल दीपक मेडिसिन नॉलेज। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिरिड्रम क्रीम के बारे में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे दोस्तों इस सिरिड्रम क्रीम का इस्तेमाल कब और किन किन समस्याओं में किया जाता है, इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या होता है, दिन में कितनी बार इस क्रीम का इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ ही साथ बात करेंगे किस कंपनी का होता है, आपको बाजार में कितनी MRP के साथ मिल जाता है, इसकी पैकिंग किस तरह से होती है अंदर से। तो दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहे जिससे आपको मिल सके इस सिरिड्रम क्रीम के बारे में पूरी जानकारी। और इससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को जुटवाएं ताकि हमारी नवी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचे और आप हमारी वीडियो देख सके सबसे पहले। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, समझते हैं इस सिरिड्रम क्रीम के बारे में, सिरिड्रम का इस्तेमाल कब और किन किन समस्याओं में किया जाता है। दोस्तों, तो दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे जो सिरिड्रम क्रीम है ये किस कंपनी का होता है। तो कंपनी की बात करें तो दोस्तों श्रीदीप कंपनी का होता है, जो कि काफ़ी फेमस और काफ़ी अच्छी कंपनी है। और बात करें इस सिरिड्रम क्रीम में मिलाए गए कॉम्बिनेशन के बारे में, तो बीथामेथासोन और नियोमाइसिन मिकोनाजोल मिलाया गया होता है और ये तीनों सॉल्ट से मिलाकर दोस्तों सिरिड्रम क्रीम बनाया गया है। और इस क्रीम का इस्तेमाल किस समस्या में इस्तेमाल किया जाता है मैं आपको बताता हूँ आगे। इस दोस्तों इस सिरिड्रम क्रीम का इस्तेमाल दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, फंगस इन्फेक्शन या फिर स्किन एलर्जी या स्किन इरिटेशन होता है, जैसे आपकी स्किन में खुजली होती है लगातार, इन सारी समस्याओं में सिरिड्रम क्रीम का इस्तेमाल किया जाता है। और दोस्तों मुख्य काम की बात करें तो दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, इन्फेक्शन की समस्याओं में किया जाता है। बात करें दोस्तों इस सिरिड्रम का इस्तेमाल कैसे करना होता है, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों इस सिरिड्रम क्रीम का इस्तेमाल आप दिन में 2 बार कर सकते हैं, सुबह और शाम आपको इस क्रीम का इस्तेमाल करना होता है। और इस क्रीम को लगाने के बाद आपको साबुन का इस्तेमाल नहीं करना है। इस क्रीम को लगाने के बाद दोस्तों आपको साबुन का इस्तेमाल नहीं करना है, इस बात को याद रखें, क्योंकि साबुन से हमारा जो फंगल इन्फेक्शन या फिर एलर्जी की सिस्टम जो होती है वो सारी बढ़ जाती है। इसलिए दोस्तों आपको साबुन का इस्तेमाल नहीं करना है और इस क्रीम का इस्तेमाल दिन में 2 बार करना है। और इस सिरिड्रम क्रीम का इस्तेमाल कहीं भी कर सकते हैं, जैसे आपके पैर में फंगस या फिर एलर्जी हो गया है तो भी आप इस क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके फुल बॉडी में कहीं भी एलर्जी या फिर फंगस हो जाए तो आप इस क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों बात करें दोस्तों इसके साइड इफ़ेक्ट की, तो दोस्तों इसका जो साइड इफ़ेक्ट है, अगर आप इस क्रीम को लगाते हैं और इस क्रीम को लगाने के बाद आपकी खुजली बढ़ जाए तो आप समझ सकते हैं कि ये क्रीम आपको सूट नहीं कर रही है, इस क्रीम को लगाना तुरंत बंद करें। और दोस्तों मैं आपको बता दूं इस क्रीम का जो साइड इफ़ेक्ट है बहुत ही कम देखने को मिला है, इसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा है और ये काफ़ी इफेक्टिव क्रीम है सिरिड्रम क्रीम। बात करें दोस्तों इसके MRP की, तो मैं आपको इसकी MRP दिखा देता हूँ। इसकी 68 रुपये MRP है, 68 रुपये MRP है और बनने की डेट से 2 साल की एक्सपायरी होती है। दोस्तों बात करें इसके सिरिड्रम क्रीम के पैकिंग के बारे में, तो मैं आपको उसकी पैकिंग खोल के दिखाई है सिरिड्रम क्रीम की पैकिंग। पैकिंग आप अपने फोन स्क्रीन पर देख सकते हैं कितनी शानदार पैकिंग के साथ ये बनाया गया है। इस क्रीम की जो क्वांटिटी है दोस्तों 15 ग्राम की ये पैकिंग के साथ मिल जाता है, आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पे बहुत आसानी से मिल जाएगा। आशा करता हूँ दोस्तों आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचे और आप हमारी वीडियो देख सके सबसे पहले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।